नाजरीन, बात वही है कि ये जो डी चौक में जो कुछ हुआ है, वो डी चौक का जो वाक्या हुआ है 26-27 को वो क्या क्या बहा ले गया है। तो मैं अब आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, पीटीआई के उन लोगों की ज़बान की बता रहा हूँ, नाम लिए बगैर। ज़ाहिर है कि वो लोग नहीं चाहते कि वो अभी सामने आए, क्योंकि वो क्यों नहीं चाहते वो मैं इस के आखिर में जाके बताऊंगा कि उनकी उन्हों वो क्यों नहीं चाहते। तो वो उन्होंने क्या बताया कि अब क्या होगा, तो उस पे मैं अब आपको आज एनलाइटन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या होगा, उसका मैं आगाज़ एक शेर से करता हूँ। कदम उठे भी नहीं सफ़र तमाम हुआ, गज़ब है राह का इतना भी मुख्तसर होना। तो ये है असल कहानी, कदम उठे भी नहीं और सफ़र तमाम हुआ। तो ये किसका हुआ, पीटीआई का तो नहीं? पीटीआई तो बकौल इमरान खान के 24 साल का एक पूरी एक जदोजहद है उनकी। तो ये सफ़र तमाम हुआ है बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी का सफ़र इसलिए तमाम हुआ है कि पहली बात तो ये है कि वो सियासी खातून नहीं थी, उनको सियासी रोल नहीं लेना चाहिए था। ये खुद कहते थे, जब कोई बात करता था बुशरा बीबी के बारे में तो ये खुद कहते थे कि वो सियासी खातून नहीं है, उन पर बात ना की जाए। लेकिन उन्होंने खुद मैदान में आके, मैदान सियासत में आके, बल्कि मैदान सियासत से ज़्यादा मैदान कारजार में आकर खुद उसने लोगों को इस बात पर आमादा और आवाज़ दी कि वो उस पर बात हो सके। तो अब बात होने से बात बहुत आगे चली गई। और ये देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब वो जो लोग हैं, जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, मतलब वो इतनी सीनियर लीडरशिप है कि वो इमरान के बाद, अगर इमरान खान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो 2-3-4 लोग हैं, उनमें से मैं एक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आज एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में ये कहा है कि देखें, बुशरा बीबी ने जो किया वो अपने ओन पर किया, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अभी मैं देख रहा था कि वो उनकी जो तर्जमान मिशाल यूसुफ जैया, वो कह रही थी कि बुशरा ने, बीबी ने कहा कि मुझे इमरान खान का बता दें कि वो क्या कहते हैं। तो इमरान खान का बता दें वो क्या कहते हैं, तो आपके पास इमरान खान की कौन सी हदायत थी? मतलब वो हदायत आपके पास कोई नई सूरत हाल के मुताबिक थी? तो आप एक ही बात को लेके चल पड़ी और कारकुनों को, और ये कहा कि हम वहां रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। तो कारकुन तो बेचारा तैयार हो गया लड़ने मरने के लिए, और उधर वो लड़ा और मरा, जितना भी हुआ जो भी हुआ। तो आप किधर थी? आप तो निकल गई। वो जी गोलियां बरस रही थी, तो गोलियां तो सब पे बरस रही थी, अगर बरस रही थी तो वो ये कहते हैं कि अब ये किस्सा तमाम हुआ। अब वो इस पे शुक्र भी अदा कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, शुक्र क्यों अदा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि देखें, पहले हमारा लीडर अंदर गया जिसकी दमखम से ये पार्टी थी, और इसमें कोई दूसरी राय अब किसी को, किसी ने सोचनी है तो सोच ले। इस वक्त जो हालात हैं पार्टी के, और जो लोग एक दूसरे के साथ बाहम दस्तों गरेबान हैं, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ एक बंदा था, एक बंदा, वो इमरान खान। इसके अलावा पार्टी कहाँ पे है? कोई तंजीम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जो कुछ लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 ऊपर, जिन्होंने उनके साथ जदोजहद की है, वो जदोजहद है, वो अपना उनका जाती उनकी वो क्रेडिट है जो उन्होंने समेटा हुआ है। पार्टी में उनकी पोजीशन वो वाली नहीं है कि पार्टी में कोई ऐसी पोजीशन उनको दी गई हो या उनकी पोजीशन बनाई गई हो कि वो जो कहें वो इमरान खान के बाद उसको सुना जाए। वो कहते हैं कि जी पहले हमारा लीडर अंदर गया जिसकी वजह से पार्टी, और फिर लीडरशिप जो है वो वकला के पास चली गई। अब वकला जो होते हैं वो भाई, वकील वकील होता है, वकील वकालत तो कर सकता है, सियासत नहीं कर सकता, तो नहीं हो सकी ना सियासत, सिर्फ इस डर से कि वकील जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि वो कानूनी मशवरे अच्छे देंगे, कौन सा कानूनी मशवरा अच्छा दिया है?
पार्टी का इलेक्शन जो है उसके बारे में क्या उन्होंने बताया कि पार्टी का इलेक्शन हमें किस तरह से लेके चलना है और इलेक्शन कमीशन से कैसे बचा के हमने ये लेके चलना है। फिर ये कि अगर चलें जी मान लिया कि उसमें उनको रास्ता नहीं दिया गया था, तो अदालत में जाके हमने क्या लड़ाई लड़ी जब सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान लिया, तो आप इस बात पे कैसे लोगों को नहीं, इलेक्शन कमीशन को और लोगों को बावर नहीं करा सके हमारी पार्टी पे बैन नहीं है, पार्टी इंटैक्ट है, इसको भी छोड़ देते हैं। जब पार्टी ने नए किसी पार्टी के साथ इतिहाद करना था, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना था, तो आपको सुनी इतिहाद काउंसिल मिली? बाद में भी जब आप इलेक्शन लड़के आ गए तो आपने किसी पार्टी में जम होना था, तो आपको सुनी इतिहाद काउंसिल मिली? बहसियत वकील आपको इस बात का क्यों पता नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसमें अगर आप जम होंगे तो खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो गए, डल्यूट हो गए, क्योंकि कानून उस पर इस तरह से हावी हुआ। ये आपको क्यों नहीं पता था कि हामिद रजा जो है वो उस पार्टी का जो चेयरमैन है वही उससे इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उस पार्टी का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है, तो वो कैसे एक इलेक्टेड पार्टी कहलाएगी? और आप जब उसमें जम होंगे तो आपकी हैसियत क्या होगी? वही हुआ, पेशावर हाईकोर्ट ने आपको मानने से इनकार कर दिया जो हाईकोर्ट आपके साथ थी। तो ये थी वकीलों की कारकर्दगी। और अब आ गई आपने बुशरा बीबी ने आके तो पार्टी का बरकस निकाल दिया। आप कारकुनों को वो जलीलो ख्वार, और वो उनका मुराल जो है वो डाउन हुआ है, को शायद वो अब दोबारा पता नहीं हो सके बहाल के ना हो सके। तो ये वो दुखी रहनुमा, सीनियर रहनुमा ने बताया है कि ये है हमारे साथ होने वाला सलूक, और वो उनका कहना था। अब मैं आपको बताऊं, सवाल ये था कि अब बताएं आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान के साथ ही वाबस्ता है, वो जेल में है, हम उनके नारे मारेंगे, उनके नाम का खाएंगे। खाएंगे मतलब ये कि जो जिस पोजीशन में है वो वहाँ बैठा खाएगा, वो हुकूमती पोजीशन में है, वो अपोजिशन लीडर है, वो MNA है, वो किसी कमेटी का सरबराह है, या वो किसी भी ओहदे पे, अपने पार्टी के ओहदे पे है, वो उसी का नाम का खाएगा, वो वजीर आला है, तो वजीर आला तो उसी के नाम का खा रहे हैं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसी के नाम का खा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो भी होगा मुस्तकबिल में भी हम उन्हीं का नाम का ही होगा हमारे साथ। तो ये टोटल कहानी अब रह गई है, पार्टी वार्टी का मामला खत्म हो चुका, जो कि थोड़ा बहुत रह गया था उसका भी उन्होंने सत्यानाश करके, एक्सपोज करके, लोगों को डीमोरलाइज करके, उनको उन्हीं लोगों को जो उठा के आप लाए थे बेचारे, जो आ गए थे साथ आपके, पंजाब तो आया भी नहीं, लेकिन पंजाब से जो इक्का दुक्का आए, या फिर जो सबसे ज़्यादा जो खैबर पख्तूनख्वा से आए, उनके उनकी वो क्या पैगाम लेके गए, वो क्या सोच रहे होंगे आज घरों में बैठे हुए। तो ये पार्टी का इन्होंने किस्सा तमाम कर दिया है, लेकिन इससे पहले बुशरा बीबी का किस्सा तमाम हो चुका है। अब वो सियासत में शायद ही आपको नजर आए, क्योंकि हाँ एक बात है, ये बात मैं कर रहा हूँ इमरान खान के जेल में रहने की सूरत में, इमरान खान बाहर आएंगे तो ये बात वो नहीं होगी, ये रिवर्स हो जाएगा, बुशरा बीबी फिर अपनी पोजीशन पे होंगी। उससे पहले तो आप समझेंगे ये किस्सा हुआ तमाम। तो ये थी जो इनसाइड थी। और फिर उन्होंने कहा कि मुराद सईद, शिबली फराज, वकास अकरम और अली अमीन गंडापुर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रोह है कि जो किसी को कामयाब नहीं होने देना चाह रहा, और उस उन, 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 उनकी उस सीनियर कायदत का कायद का ये भी कहना था कि बुशरा बीबी को भी इस रास्ते पर चला के नाकाम करने वाला, हालांकि वो उसका कहना था कि मेरी कोई हमदर्दी नहीं है बुशरा बीबी के साथ, लेकिन नाकाम करने वाला जो वाला ग्रुप है वो भी यही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का ख्याल ये था कि अगर मैं दो दफ़ा आगे नाकाम हुआ हूँ या तीन दफ़ा, तो बुशरा बीबी पहली दफ़ा आकर कामयाब कैसे हो। तो उसने भी ये सारा, वो कहते हैं उनका दावा है कि बुशरा बीबी के लिए सारा जाल बुना गया, और इस तरीके से उनको वहाँ से फिर पसपाई का जो रास्ता भी दिखाया और वहाँ तक पहले लेके भी आए, तो ये सारा वो उन्हीं का किया धरा है। और अब जो आप देख लें, जो अली अमीन गंडापुर के करीबी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो शौकत यूसुफ़ज़ई हो, ब्रेसर सैफ हो, वो एक ही बात कर रहे हैं
कि ये सारा जो मामला, ये सारी मिस हैंडलिंग है, ये बुशरा बीबी के और इमरान खान कुछ और चाहते थे। अब ये तो खैर, अब इमरान खान से मुलाकात ही किसी क्यों नहीं हो रही, तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते थे। तो ये सूरत हाल इधर है। और थोड़ी सी बात करता हूँ कि जो भी डी चौक में हुआ रात को, उसके ऊपर हुकूमत अपना कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी। एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बोले, इसके अलावा कोई उनकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई वजारत इतलात नहीं है, वजारत इतलात की कोई हैसियत नहीं है, कोई अपना बयानिया नहीं बना सके वो जो इन इसमें से उनका क्या आउटकम है और वो क्या चाहते थे और क्या हुआ है। और बाकी जो उनका जो जाहिर है कि वो जो लाशों की बात करके वो UN कराए और वो जो भी है, तो वो PTI के हक में ही जा रहा है। वो डीमोरलाइज है, वो सब कुछ है, वो पार्टी में तकसीम है, लड़ाई है, सब कुछ है, लेकिन जो भी फायदा है, थोड़ा है ज्यादा है, वो PTI के हक में ही हो रहा है, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरी तरफ का भी मैंने कहा, आपको जायजा बता दूं, पहले तो मैंने आपको अंदर की कहानी एक कायद की जबानी बता दी है। तो इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना।